बड़ौदा बाजार में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान धान के अवैध विक्रय, परिवहन एवं बिचौलियों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, धान के अवैध आवाजाही की रोकथाम के लिए जिले में 21 चेक पॉइंट और 13 उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं। बड़ौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी करते हुए करीब 300 कर्मचारियों को इन कार्यों में लगाया है। वहीं कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि चेक पॉइंटों पर 24 घंटे टीम की निगरानी होगी और उड़नदस्ता दल लगातार गश्त करते रहेंगे।